आगे बढ़ते हैं, सभी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी रखें। यदि सामने आपके टेबल या कोई ऐसी वस्तु हो जिस पर हाथ आप टिका सकते हैं तो वहाँ टिका के रखें, और नहीं तो आप अपने हाथ को अपने पैरों पर भी रख सकते हैं। जिस प्रकार से आप आरामदायक महसूस करें उस स्थिति में आप बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपनी आँखें बंद कर लेंगे। यदि आपको अपनी आँखें बंद करने में असहज महसूस हो रहा हो तो आप अपनी आँखें खुली रखते हुए नीचे की ओर भी देख सकते हैं। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं। आवाज़ें धीमी हैं या तेज हैं, दूर से आ रही हैं या पास से। लगातार या रुक रुक कर। अब आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांस का आना, सांस का जाना महसूस करें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो बिना किसी दबाव को महसूस किए उसे वापस अपनी सांसों पर लेकर आएं। अब आप अपना ध्यान अपनी बैठने की स्थिति पर लाएं और जब सहज महसूस करें अपनी आँखें खोल लें। तो कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लग रहा है? आपस में एक दूसरे की राय पूछिए, एक दूसरे को कैसा लगा आपस में जानिए। तो अविनाश जी, बढ़ते हैं आज की अगली कड़ी में। तो आज हम करने वाले हैं ध्यान देकर सुनने की प्रक्रिया। तो तैयार हैं फिर? चलिए शुरू करते हैं फिर। तो आज हम माइंडफुलनेस की एक एक्टिविटी करेंगे जिसे कि हम माइंडफुल लिसनिंग यानी ध्यान देकर सुनना कहते हैं। माइंडफुलनेस के अनेक प्रकार हैं, अनेक गतिविधियाँ हैं, जैसे कि देखने, सुनने, काम करने के विभिन्न आयामों को छूती हैं। तो आज की कड़ी माइंडफुल लिसनिंग, चलिए शुरू करते हैं।
एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और हो सके तो अपनी कमर सीधी कर लें। और अब एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लें। अब आप अपने वातावरण से आ रही आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें, उन पर ध्यान दें। ध्यान दें कि कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, किस ओर से आ रही हैं। धीमी हैं या तेज। आवाज़ें अच्छी हैं या बुरी, इस बात पर बिना विचार किए उन आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। यदि आपका ध्यान भटक गया हो तो परेशान न हो, अपना ध्यान वापस आवाज़ों को सुनने पर लाएं। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर लाएं और अपनी आंखें खोल लें। तो आपने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी, कोई एक दो आवाज़ बताइए। एक आवाज़ तो वो बताऊंगी जो मुझे लगातार आ रही थी, एसी की आवाज़ इस कमरे में आ रही है जो लगातार मुझे सुनाई दी। और एक आवाज़ और बताऊंगी जो कहीं आसपास किसी कमरे में कुछ फर्नीचर की या हल्की सी खटपट की आवाज़ आ रही थी मुझे। कोई ऐसी आवाज़ भी आपने सुनी क्या जो दूर से आती हुई सी लगी? दूर की बहुत बहुत हल्की सी एक किसी हॉर्न की जरा सी आवाज़ आई थी मुझे। अच्छा, और कोई आवाज़ ऐसी भी लगी जो बिल्कुल पास से आई हो? जी बिल्कुल पास से मेरी सांस की आवाज़ आ रही थी मुझे। अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो क्या आपका ध्यान भी बीच में भटका था? आपके पूछने से पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपने कौन सी आवाज़ सुनी जो मैंने बताई उसके अलावा बताएं? इसके अलावा मुझे कुछ खटपट सी आवाज़ सुनाई दी थी, जैसे कि किसी ने दरवाज़ा खोला हो, ऐसा मुझे लगा। जी तो जी हाँ, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि हमसे कोई आवाज़ मिस हो गई हो, हमारे वातावरण में आवाज़ तो रही हो पर हमारा ध्यान उसमें ना गया हो, तो क्यों ना हम एक बार फिर से करके देखें, वातावरण के उन आवाज़ों को पहचानने या सुनने की कोशिश करें जो पिछली बार के अभ्यास में छूट गई। या ये भी हो सकता है कि वातावरण में कोई एक नई आवाज़ जुड़ गई हो, तो ये भी ना सोचे कि अरे मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया था, बस सहज होकर के फिर से हम सुनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, करें शुरू? जी, चलिए तो आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और धीरे से अपनी आँखें बंद कर लें। यदि आप असहज महसूस करते हों आंखें बंद करने में तो आप उसे खुली भी रख सकते हैं और नीचे की ओर देख सकते हैं। आप जब सहज महसूस करें अपनी आंखें खोल लें।
कोई नई आवाज जी? कौन सी? मुझे कोई चेयर के खिसकने की आवाज, कहीं कुर्सी खिसकी कोई ऐसा, और एक आवाज मुझे और आई, उसको पता नहीं आवाज कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ऐसा फील हुआ जैसे कोई मोबाइल वाइब्रेट किया। चलिए, मैंने भी एक आवाज सुनी, कहीं से इस ओर से कहीं से हल्की सी कट कट जैसी हल्की सी आवाज़ से आई थी। चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी इस बार कोई नई आवाज़ पकड़ी होगी, कोई नई आवाज़ सुनी होगी। घर में आप आपस में चर्चा कर सकते हैं, आपस में पूछिए, एक दूसरे से जानिए कि उन्होंने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी, वो आवाज़ें किस ओर से आ रही थी, वो आवाज़ें तेज थी या धीमी, दूर से आ रही थी या पास से आ रही थी, और इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि वो लगातार चल रही थी या रुक रुक कर आ रही थी। तो इसी तरह से आप विभिन्न प्रकार के आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करते रहें। जब हमारी मुलाकात अगली बार माइंडफुलनेस के लिए होगी, तो उसमें तक तब तक रोज़ इस माइंडफुल लिसनिंग का अभ्यास करते रहें, जिससे कि हम इसकी अगली कड़ी उस अभ्यास के साथ जोड़ करके आपके सामने ला पाएंगे। अविनाश, एक बात बताओ जी। जब आप ये पूरी प्रक्रिया करा रहे थे जी। कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए मुझे ऐसा ध्यान चला गया जैसे मेरा ध्यान घर की तरफ चला गया, तो बजाय इसके कि जो मेरे आसपास आवाजें थीं, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे घर में इस टाइम पे कौन सी आवाजें हो रही होंगी, तो ये क्या है? देखिए, ये कल्पना में चले जाना या अपने किसी लगाव वाले स्थान पे चले जाना या कुछ और विचार मन में आना, ये भी स्वाभाविक है, तो इसे परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस इतना सा काम करना है कि ठीक है, पता चल गया ना कि ध्यान वहाँ गया है, पर हम कर क्या रहे हैं, वर्तमान में जो हमारे वातावरण में जो आवाज़ें हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ध्यान इस बात पर जाता है कि मुझे ध्यान क्या पर रखना है, वातावरण से आ रही आवाज़ों पर, ठीक है, वापस हम उस प्रक्रिया में आ जाते हैं और बात बन जाती है। तो इसलिए सहज रहें और प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, स्थिति बदलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बात और समझ में आ रही है कि मान ले मैं माइंडफुलनेस कर रही हूँ और उस समय मेरा ध्यान भटक जाता है और मैं अपनी सांसों पर ध्यान नहीं ला पाती हूँ, ऐसी स्थिति में क्या? तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये एक सहज स्वाभाविक स्थिति है। पहले ही कदम में या पहली ही बार में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसी कोई आशा करना भी अपने आप पर अन्याय करने जैसा होगा। तो सहज रहें, ऐसा होता रहेगा, कई बार ध्यान भटकेगा, फिर ध्यान वापस आ जाएगा। हाँ, पर अपने आप में हमारा ध्यान इस बात पर चला जाए कि हाँ, मेरा ध्यान यहाँ यहाँ पर भटक गया था और मैं वापस उसे ला पाया या नहीं, तो खुद से आप सवाल भी कई बार पूछ सकते हैं कि, या यूँ कहें तो अपने आप में सोच सकते हैं कि कब आपका ध्यान भटका, कब आपका ध्यान वापस आ पाया। साथ ही आप एक काम और करें कि माइंडफुलनेस के और भी आर्टिकल्स पढ़ने की कोशिश करें और उन आर्टिकल्स को लेकर के भी आप घर पर चर्चा कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी कोई यदि आपको अड़चन सी लगती है तो भी आपस में शेयर करें, जिससे कि बाकियों को भी लगे कि हाँ, केवल मेरे साथ ही नहीं, औरों के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है। मुझे एक बात और पूछनी है जी। जब मैं माइंडफुलनेस करने बैठूं तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं ये चेक करूं कि पूरा वातावरण में शांति हो और ऐसा कोई कोना ढूंढ के बैठूं जहां कोई आवाज़ ना आए और मैं शांति से माइंडफुलनेस कर पाऊं? देखिए, एक अच्छी स्थिति तो वही होगी कि यदि आपके पास कोई कोना ऐसा उपलब्ध हो जहां थोड़ी शांति हो तो अच्छा रहेगा। पर माइंडफुलनेस की एक बड़ी खूबसूरती यह भी है कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको ऐसा कोना मिले तो ही बात बनेगी, क्योंकि माइंडफुलनेस के मुख्य मकसद में बात इतनी सी है कि जो है, जैसा है, उस वक्त है, उस वर्तमान को जीना, उस वर्तमान पर फोकस करना, और हम अपने कार्यों के प्रति थोड़े सजग हो जाएं कि हाँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जो भी चल रहा है जी, उस स्थिति में हूँ मैं, उसके बारे में सजग हूँ, लेकिन साथ ही साथ किसी एक खास चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। जी जी जी।
थैंक यू अविनाश जी। तो चलिए अब हम अपने सत्र का समापन करते हैं जी। दो मिनट के लिए शांत बैठकर, तो आप चाहें तो आंखें बंद रखें या खुली रखें, आपकी इच्छा है। आप दो मिनट के लिए शांत बैठेंगे और इस सत्र में हमने जो भी किया, आपके जो भी विचार और भावनाएं आए, उनके ऊपर मनन करेंगे जी। जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जो भी आपके अनुभव हैं, यदि आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो हैप्पीनेस दिल्ली के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जाकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। साथ ही यदि कुछ और जानने की इच्छा हो दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास के बारे में, तो उसके लिए आप हमारा एक ब्लॉग है जिस पर आप पहुँच सकते हैं, happinessdelhi.blogspot.com। यहाँ आप पहुँचें, आपको बहुत सारी सामग्री मिलेगी, पढ़ें और आगे बढ़ें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।